सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं BHEL शेयर के बारे में, और इसमें काफ़ी कुछ हमें आगे देखने को मिल सकता है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसमें काफ़ी कुछ हमें नुकसान देखने को मिल सकता है, और ये शेयर नेगेटिव वे में हमें जाता हुआ दिख सकता है, और वही कुछ इसमें काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिला। और आगे इसमें क्या होगा, कौन से लेवल पर सपोर्ट लेगा, और इसके करंट प्राइस के बारे में जानेंगे, और इसने आज कहां पर क्लोजिंग की है पूरी हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, शेयर्स की लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आ गया हूँ इसके करंट प्राइस पर, हम देख लेते हैं इसकी आज अगर क्लोजिंग देखी जाए तो 54.55 रुपये पे इसने आज क्लोजिंग दी है, और साथ ही 1.45 रुपये स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर बात करें, इसकी मॉर्निंग में अच्छा खासा ऊपर गया था 57 रुपये की ओर, बट अभी ये उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये डाउन चलने जाने लग गया। आप देख सकते हो 9:45 के बाद सीधी इसने क्लोजिंग दी, काफ़ी देर तक दोपहर तक तो स्टेबल चला, फिर उसके बाद 54 रुपये पर इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। और वही अगर बात करूँ इसके 5 दिन के टाइम फ्रेम की, तो अच्छा खासा स्टॉक 59 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये नीचे की ओर आया लगभग 55 रुपये पर, फिर ऊपर गया लगभग 58 रुपये पर, फिर नीचे ऊपर करते करते स्टॉक ने क्लोजिंग दे दिया आज 54 पर। तो पास्ट अगर 5 दिन की बात करूँ तो 5 रुपये शेयर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। वही अगर बात करूँ मैं 1 महीने की, तो 66 रुपये शेयर चल रहा था, फिर 66.25 रुपये चला, फिर बैक टू बैक एक रेगुलरली रैली में चलता गया नीचे की ओर, रैली बना दी इसने एक नीचे की ओर। वही अगर 6 महीने की बात करूँ तो आपको काफ़ी कुछ इसमें देखने को मिलेगा, 38 रुपये का स्टॉक ने लगभग 79 का हाई भी लगा दिया था। अगर बात करें 12 फरवरी को स्टॉक था लगभग 38 रुपये का, फिर ऊपर गया 54 तक, फिर नीचे आया 44 तक, फिर ऊपर गया आप देख सकते हो 75 तक, और अभी 54 रुपये ट्रेड कर रहा है। वही अगर बात करूँ मैं 1 साल के टाइम फ्रेम की, तो 35 रुपये पे स्टॉक चल रहा था, फिर 27 पे चला, फिर लगभग 52 रुपये पे चला, फिर ऊपर की ओर जाते जाते अभी नीचे की ओर चल रहा है। तो 18 रुपये इसने रिटर्न दिया है। वही अगर बात करूँ मैं 6 महीने की, तो 15 रुपये रिटर्न दिया है, 40% तक इस स्टॉक में बढ़ा था हमें देखने के लिए, और 1 साल में बात करें तो 52%। वही अगर इसमें पिछले कई रिकॉर्ड्स देखे जाए तो स्टॉक 300 तक भी चले गया था, 300-350 तक भी गया था, और अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से इसे एक मिड कैप शेयर हम कह सकते हैं। वही अगर इसके 52 वीक के हाई की अगर मैं बात करूँ, तो 52 वीक का हाई इसका 79.55 है, और अगर लो की अगर मैं बात करूँ तो 26.75 रुपीज़ इसका लो है। बात करेंगे हम चार्ट की, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, उसके बेसिस पे अगर देख सकते हो तो यहाँ से स्टॉक बढ़ना चालू हुआ था, नीचे डाल गया था, फिर ये लगभग अब देख सकते हो 72 के लेवल से फिर से नीचे की ओर आता गया, इसे रिजेक्शन मिला था, फिर से इसने सपोर्ट लिया कौन से लेवल से, 60 के लेवल से सपोर्ट किया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, साइडवेज चलता गया नीचे गया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, कई बार मल्टीपल टाइम्स बार इसे रिजेक्शन मिल गया था इस लेवल पर। फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिल जाए, बट ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं मिला, अगर इस लेवल पे अगर इसे ब्रेकआउट मिल जाता तो काफ़ी हाई राइज इसमें लग सकते थे, 72 के लेवल्स तक ये जा सकता था, और 79 के लेवल तक भी ये आ सकता था, बट ये नहीं आया। बट क्या हुआ उसके बाद, इसमें सडनली इसमें नीचे की ओर इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की ओर गया, रिट्रेसमेंट किया, और रिट्रेसमेंट इसने जब भी दिया था तभी मैंने बोल दिया था कि ये नीचे की ओर आएगा, प्रीवियस वीडियोज़ मैंने बनाया मैं उस पर बोला हूँ, और यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट मिला तो कंफर्म हो गया था कि ये नीचे की ओर 50 के लेवल तक तो आ ही सकता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बैक टू बैक ये स्टॉक नीचे की ओर आता हुआ हमें दिख रहा है कई दिनों से, और ये लगभग 50 के लेवल तक आएगा ही आएगा, 52 के लेवल तक तो ये आएगा ही आएगा, 52 के लेवल तक ये जैसे ही आता है जैसे वैसे ही आप इसमें बाइंग कर सकते हो। 52 का लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने पिछली बार अगर बात करें तो यहीं पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यहाँ पर मैं जहाँ पर मैंने ये राउंड बनाया था वहीं पे, यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकआउट मिला था, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, ऐसा कुछ इसमें सिनारियो बनता हुआ मैं दिख रहा था, और वही कुछ सिनारियो इसमें अभी बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था तो मेन सपोर्ट जोन इसे हम बोल सकते हैं, और नेक्स्ट बार अगर कुछ इसमें होता है तो ये इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा, 52 के लेवल पर सपोर्ट लेगा, और यहीं से
हिट एस करके ऊपर की ओर जाएगा। सो गाइज, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।